सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपकी तैयारियों का पता चल सके, और वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धारा दौलाधार श्रेणी में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन है जालसू धारा, इंद्रहार धारा, कुंजुम धारा और रूपिन धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंजमदरा। तो नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? गिरी, चक्की, तीर्थन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरी। तो नेक्स्ट है, बड़ा शिगड़ी क्या है? हिमनद, नदी, चुट्टी, पक्षी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमनद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में मुख्य आयुक्त प्रांत बना? तो ऑप्शन है 1948, 1951, 1952, 1956। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1948। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन है गज, बिनवा, बनेर, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ऑप्शन है लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति। तो नेक्स्ट है, कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मंडी, लाहौल, ऊना, चंबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबा। तो नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे? तो ऑप्शन है शिमला, ऊना, डलहौजी, धर्मशाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डलहौजी। तो नेक्स्ट है, जसवान राज्यों का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है पूरव चंद, विधि चंद, राजरूप, संसार चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरव चंद। तो नेक्स्ट है, लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया? पद्मभूषण, पद्म संभान, पद्म भान नाम, पद्म नाभ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पद्म संभान, ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है, ताबो मठ किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। जो ताबो मठ है ये हिमाचल प्रदेश की स्पीति जिले में है, यह 3500 मीटर ऊंची है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिरमौर के राजा ने अपनी राजधानी राजभवन से काशी में बदल दी? तो ऑप्शन है उदित प्रकाश, कर्म प्रकाश, श्याम प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदित प्रकाश। तो नेक्स्ट है, कुल्लू राज्यों की स्थापना किसने की? तोमरपाल, वेद प्रकाश, विहंग मणिपाल, जगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विहंग मणिपाल। तो नेक्स्ट है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की? तो ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है, मियाँ चुनचू और वैद्य सूरत सिंह कहाँ हुए विद्रोह के नेता थे? तो ऑप्शन है सिरमौर, बिलासपुर, धामी, मंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरमौर। पझौता सिरमौर में एक क्षेत्र नाम है, यहाँ 1943 में मियाँ चुच्चू, चेतराम वर्मा और वैद्य सुरसिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? रणजोर सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अमृता कौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में मंडी षड्यंत्र 1914-15 के द्वारा किन राज्य पर अधिकार जमाने की योजना बनाई गई? तो ऑप्शन है बिलासपुर तथा चंबा, मंडी तथा शिमला, मंडी तथा सुकेत, धामी तथा मंडी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंडी तथा सुकेत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड हिमाचल प्रदेश का पहला गोलीकांड कब हुआ? तो ऑप्शन है वर्ष 1947, 1941, 1942, 1945। तो इसका सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1947। धामी त्रासदी के आंदोलनकर्ताओं का नेता कौन था? ऑप्शन है दुर्गाचंद, शिवानंद, वाईएस परमा, भागमल सोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागमल सोटा। तो लास्ट क्वेश्चन है, शिमला को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो ऑप्शन है 1830, 1840, 1839 या 1864। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1864। तो दोस्तों, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें।